अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आज जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है, यह है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी पाई जाती है। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मुराद क्या? देखो, बायो मीन होता है लाइफ, लॉजिकल मतलब होता है स्टडी। लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजिकल नाम दे रहे होते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ को बना रहे होते हैं उसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर मैं लाइफ को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स की बात करूं, उसमें प्रोटीन आ जाती है, लिपिड्स आ जाती है, डीएनए आरएनए वगैरह आ जाते हैं जो कि जिंदा जानदारों के अंदर होते हैं। तो हमने स्टडी इसी चीज़ की करनी है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह पाई जाती है। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ ना बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करना है, वो है एक प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह पाई जाती है, और एक हमने डिस्कस करना है डीएनए वगैरह के अंदर, डीएनए आरएनए वगैरह के अंदर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह पाई जाती है। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरह से करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सच एज, जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, सच एज प्रोटीन एंड डीएनए, एंड डी एन ए, डीएनए डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा होगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन्स की। सबसे पहले किसकी बात करनी है? प्रोटीन्स। आपने 10th क्लास में चले जाओ, प्रोटीन के बारे में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होगी। आपने पढ़ा होगा जो प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। किस तरह बनती है? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। अब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाती है? प्रोटीन। मैं सपोज करता हूँ ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये वाला, ये क्या हमारे पास अमाइनो एसिड, इस तरह के काफ़ी सारे अमाइनो एसिड इस तरह आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ने के बाद इस तरह हेलिक्स की फॉर्म में प्रोटीन्स बन जाती है। इस तरह सही, इस तरह हमारे पास प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, यानी इस तरह होगा, ये इस तरह के हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। तो ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करनी है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई किस तरह जाती है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई किस तरह जाती है, ये बात हमारे पास मेन है। तो सबसे पहली बात, प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय, प्रोटीन बन रही होती है, यही बात लिखनी जो हमने यहां बात कही है। प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय, प्रोटीन बन रही होती है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है, पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है। अब प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना, अगर आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ी है, वो होती है हेलिक्स की फॉर्म में। किस तरह होती है? हेलिक्स की फॉर्म में होती है। तो यही बात हमने लिखनी है, द प्रोटीन इज अरेंज्ड, या प्रोटीन पॉलीमर कर लो, पॉलीमर ज्यादा अच्छा वर्ड है, द प्रोटीन पॉलीमर्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अरे ये हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स को आप बल खाती हुई कह सकते हैं, जिस तरह आपका स्प्रिंग होता है ना, बिल्कुल इस तरह ये बल खा रहा होता है, इस तरह कहते हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह की होती है, ये सेम हेलिक्स है, ये क्या हमारे पास हेलिक्स है। अब हेलिक्स की अगर बात करूँ, बताए हेलिक्स होते हैं दो तरह के, एक होता है राइट हैंडेड हेलिक्स और एक होता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेलिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेलिक्स, टू टाइप्स ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की दो किस्में होती हैं, फर्स्ट वन इज राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स, हैंडेड हेलिक्स, और इसके बाद सेकेंड है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड हैंडेड हेलिक्स। ये हमारे पास दो किस्में हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ हमें याद रखिएगा, राइट हैंडेड हेलिक्स ना इस तरह के हो गए, ये जो मैंने बनाया ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, यानी कि इसमें आपके इस तरह बल्क आते हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होते हैं उसमें यह काम होता है इस तरह। ये हमारे पास क्या है?
लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, यानी राइट हैंडेड में इस तरह घूम रही होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, जबकि लेफ्ट हैंडेड में इस तरह जुड़े होते हैं। ये चेक कर लो, लेफ्ट हैंडेड में इस तरह, राइट हैंडेड में इस तरह। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है और ये हमारे पास राइट हैंडेड हेलिक्स है। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन अब अगर इसको इस तरह देखोगे, ये राइट हैंडेड, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, यहाँ पर जो मेन बात आ जाती है बच्चे, वो है हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने किस तरह है। स्ट्रक्चर को बनाने का तरीकाकार सीख लीजिए, अभी विषय ना लिखे, सिर्फ बनाने का तरीकाकार सीख लो कि ये बनाने किस तरह। अगर एग्जाम में आता है तो स्ट्रक्चर बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाते तो काम चल जाता है, सही है। तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह की बन रही होती है। देखो हमारे पास में सबसे पहले प्रोटीन इस तरह की होगी, ये हेलिक्स बनाना है आपने, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। ये कौन सा है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, ये इस तरह का, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको सामने की तरफ दिखा रहा हूँ, ये कुछ यहाँ से इस तरह होगा, सेम काम यहाँ से इस तरह होगा, सेम काम यहाँ से भी आप कर लो, इस तरह होगा, सही है। यानी ये सामने से मैं इस तरह घुमा रहा हूँ इसको, इस तरह, ये पीछे वाला नहीं दिखा रहा, जो सामने वाला पोर्शन आ रहा है ना इस तरह पट्टी सी, वो दिखा रहा हूँ। अब इसमें आपने कार्बन या हाइड्रोजन अरेंज किस तरह करना है, देखो ये तरतीब याद रखनी है आपने, कौन सी तरतीब है, पहले सी लगाओ, फिर सी लगाओ, फिर एन लगा दो, फिर सी लगाओ, फिर सी लगाओ, फिर लगा दो एन, सही है, मतलब सी सी एन, सी सी एन। फिर दोबारा क्या करो, एक सी को छुपा लो यहाँ से, इस सी को उठा के लास्ट में लगा देना, बाकी सारे कुछ सेम रहेगा। देखो अगर एक सी को छुपाते हो पहले को, तो बाकी क्या बनता है, सी एन सी सी एन, बना क्या बनता है, सी एन सी सी एन, और लास्ट में दोबारा फिर क्या आ जाएगा, सी, ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद दोबारा फिर मैं यहाँ पे पहले वाले को फिर छुपा लो, अगले वाले को बना लो, ये क्या बन जाएगा, एन सी सी एन सी सी, इस तरह। अब ना आपने पता क्या करना है, जो एन के साथ वाला होगा, एन के साथ वाला, उसके ऊपर ऊपर की तरफ करके ना आपने इस तरह डबल बॉन्ड बना देना, क्या कर देना, उसको ऊपर की तरफ करके डबल बॉन्ड बना देना, सेम इसी तरह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एन के साथ वाले के साथ आप ऊपर की तरफ करके डबल बॉन्ड, एन के साथ वाले के साथ, एन के साथ वाले के साथ, बेशक ऊपर की तरफ बना दो या नीचे की तरफ बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेन चीज़ समझानी है वो आपको यहाँ बता दूंगा। अब ये काम हो गया, सेम इस तरह एन के साथ वाले के साथ ऊपर की तरफ करके इस तरह, और एन के साथ वाला ये वाला बनेगा यहाँ पे, और जो एन है ना, एन के आपने ऊपर से नीचे की तरफ करके ना यहाँ पे ये बना देना है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आएगा, सेम काम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा एन के साथ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। अब देखो आपको पता है हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल एक्टिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड देन पार्शियल, ये एन पे आएगा यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, सही। अब यहाँ पे होता है क्या जी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो जी, मैंने सी सी एन क्यों लिखा, आपने ना अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है कि लास्ट में सी ओ ओ एच होता है, यहाँ पे एन एच टू होता है, एन एच टू, और यहाँ पे एक एच लगा होता है और यहाँ पे भी एच लगा होता है, सही बात है, यहाँ पे सी एच थ्री भी लगा होता है। मैंने बाकी चीज़ें नहीं बना रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सी सी एन, सी सी एन इस तरह लगाया है या मैक्सिमम चीज़ें जो, क्योंकि मैंने शो करनी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के दरमियान बन रही होती है। अब जो मेन चीज़ें पहले एक दफ़ा समझ लो इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन किसके दरमियान में रही है, आइए आपने नहीं बनाना, हाइड्रोजन बन रही है एन एच के दरमियान में और सी डबल बॉन्ड ओ के दरमियान में, यहाँ पे चेक कर लो, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, इन प्रोटीन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। बच्चे ये अगर नहीं बनानी आती तो छोड़ दीजिएगा, बातें लिख दीजिएगा, सही है। अगर बना देते हैं तो बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी, एग्जामिनर को थोड़ा बहुत पता होगा कि बच्चे थोड़ी बहुत मेहनत की है, अगर नहीं तो बच्चे आपके नंबर शायद ना काटे, शायद ना काटे, तो इसको छोड़ दीजिए बेशक। इन प्रोटीन पॉलीमर, बाकी बातें सारी लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इज फॉर्म बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है दरमियान में, फॉर्म बिटवीन, देखो किसके दरमियान बन रही है, कौन से ग्रुप के दरमियान में, एन एच एंड सी ओ, फॉर्म बिटवीन एन एच एंड सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स, सही है। अब इसके बाद ना नेक्स्ट जो चीज़ आपने बतानी है बच्चे, ये जो हम एक हेलिक्स, देखो हेलिक्स का मुराद क्या है, कहते हैं अगर आप एक हेलिक्स की बात करते हो ना, ये वाले इसे घुमा के यहाँ तक, यानी एक चक्कर में कितने अमीनो एसिड आते हैं, जब एक्सरे एनालिसिस किया गया तो पता चला एक चक्कर में 3.6 अमीनो एसिड आते हैं, कितने आते हैं अमीनो एसिड, ये बात आपने याद रखी, ये बात दफ़ा एमसीक्यू में पूछ लेता है। एक्सरेज एनालिसिस शोज दैट ईच हेलिक्स हर एक हेलिक्स कॉन्टेन रख रहा होता है, कॉन्टेन 3.6 अमीनो एसिड 3.6 अमीनो एसिड रख रहा होता है। तो भाई ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है। अब प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन कहां कहां पे पाई जाती है, आपके बाल, आपके जिस्म का गोश्त, सही है, तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें आपकी हड्डियों के अंदर गोदा होता है, वो भी हमारे पास प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन इज फाउंड इन, ये वाली बात लिखो या ना लिखो क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है, वैसे लिख दो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोटीन इज फाउंड, प्रोटीन पाई जाती है, फाउंड इन हेयर, एग्स, मीट, ETC, यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन मिल रही होती है और ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर वहाँ पर पाई जाती है बच्चा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है DNA की स्ट्रक्चर, क्या है DNA, DNA से मुराद क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA मेन क्या है हमारे पास, मैं आगे इसकी मुखफ पूरा पूरा लिखता, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास DNA होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब DNA की स्ट्रक्चर पहले देख लो बच्चे किस तरह होती है, बाकी सारी बातें आपको बताएं। DNA की स्ट्रक्चर ना इस तरह की होती है ये, और इसके बाद यहाँ पे ये इस तरह की हमारे पास DNA की स्ट्रक्चर होती है। अब DNA ना में चार चीज़ें उम्र पाई जाती हैं, एक होती है एडनिन, गोवानीन, साइटोसिन एंड थायामिन। मैं एडनिन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा ए से और थायामिन को टी से, यहाँ पर आ जाएगा जी सी, यहाँ पर दोबारा फिर टी ए सी जी, यहाँ पर फिर ए टी आ जाएगा, यहाँ फिर जी, जो मेन चीज़ है यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा बस, टी ए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए ना, ए और टी के दरमियान में डबल बॉन्ड बहुत पाया जाता है, जबकि जी और सी के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड, जी और सी के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी के दरमियान डबल, जी और सी के दरमियान में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल, यहाँ पर फिर दोबारा कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और यहाँ से ए से मुराद है एडनिन, टी से मुराद क्या है थायामिन, जी से मुराद है गोवानीन और सी से मुराद है साइटोसिन। और आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी जो DNA होते हैं डबल हेलिक्स होता है, क्या होता है डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स का मतलब क्या है, ये देखो प्रोटीन तो एक हेलिक्स के मिलने से बनती है ना, अगर आप दो स्प्रिंगों को एक दूसरे के अंदर जोड़ दो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं डबल हेलिक्स का, सेम इस तरह एक इस तरह होता है और दूसरा इस तरह होता है हेलिक्स, सही है, यानी कि ये एक ब्लैक वाला आपको रिप्रेजेंट करवा रहा है और एक मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास डबल हेलिक्स DNA। और ये दोनों हेलिक्स आपस में जुड़े किस वजह से होते हैं, किस वजह से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यानी ये दोनों के दोनों जो स्प्रिंग नुमा चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई हैं आपस में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, इन डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट between the two
हेलिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए इज एक्चुअली, जो डीएनए है ना ये एक्चुअली दर हकीकत है, डीएनए इज एक्चुअली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थायामिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थायामिन, थायामिन। एडेनिन और थायामिन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? टू हाइड्रोजन। साथ में बेशक लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना छोड़ दीजिएगा। टू हाइड्रोजन बॉन्ड इसके दरमियान पाए जाते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बाद गुआनिन एंड साइटोसिन, एंड साइटोसिन। और यहाँ पाए जाते हैं थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे पाए जाते हैं भाई, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद ना जब इसकी स्टडी की गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डायामीटर था वो था 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। कितना था? 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। बस इस वैल्यू को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, सही है, 18 to 20 एंगस्ट्रॉम ही है। अगर बुक है तो बच्चे चेक कर लो, 18 to 20 एंगस्ट्रॉम है, बाकी सारा कुछ सही है। और ये इसके बाद यहाँ लिख लो द डायामीटर ऑफ, ये चेक करो कि 18 to 20 या 0.2 एंगस्ट्रॉम है, इन दोनों में से एक है। द डायामीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, द डायामीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, जो डायामीटर है हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल का वो है कितना है?